नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीराजपुर जिले के जोबट में सर्व हिंदू समाज के संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही ईसाई मिशनरियों के द्वारा भोले भाले आदिवासी समाज के लोगों को धर्मांतरण किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम से SDM जोबट को ज्ञापन सौंपा और धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि मंगलवार को बीमारी ठीक करने के नाम पर लालच प्रलोभन बहला फुसलाकर जोबट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नहतड़ा में धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत नहतड़ा के पूर्व सरपंच के द्वारा पुलिस को की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अमर सिंह पिता गुल सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले में अनेकों स्थानों पर अवैध तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियों को संचालित करने वाले ईसाई संगठन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए चंगाई सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए। वह चंगाई सभा होने से हिंदू समाज आक्रोशित है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। साथ ही ऐसे लोगों पर देशद्रोही की भी कार्रवाई कर धारा लगाई जाए। जोबट से न्यूज 69 के लिए रितेश अगाल की रिपोर्ट। देखिए, आज सर्व हिंदू समाज के बैनर तले, सभी संगठनों के बैनर तले एक ज्ञापन जो दिया है कि ईसाई मिशनरी संगठनों के द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में जो कल नेहतड़ा में एक पादरी के द्वारा वहां पर धर्मांतरण की गतिविधि संचालित कर रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करवाया है। और ये तमाम आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतरण करवाने की जो गतिविधि चल रही है, उसी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर हमने आज ज्ञापन जो कि हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों के बीच में दिया है, 7 संगठनों के बीच में आज ज्ञापन दिया है और कठोर कार्रवाई करने की मांग करी हमने जोबट SDM महोदय से, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।